आज के इस दौर में चाय एक ऐसी चीज बन गई है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप जाओ तो आपको सबसे पहले चाय परोसी जाती है और लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि वो खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन चाय के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। लोग चाय छोड़ना तो दूर, इसको कम करने को भी राजी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम चाय बनाते समय ध्यान में रखें तो ना सिर्फ चाय के नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि ये चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों को कम करने में फ़ायदा कर सकती है। इसीलिए अगर आप चाय के शौकीन हैं या फिर रेगुलरली चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिले कि रोज़ चाय के कितने कप आप पी सकते हैं, चाय बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि नुकसान ना हो, किस समय चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और कब चाय पीना बिल्कुल सही है। एक बार आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान युवक जाता है। वो बिल्कुल कमज़ोर था, उसको बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हो रखी थी क्योंकि वो चाय को गलत तरीके से पीता था। वो उन गुरु से जाकर कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है। फिर उन गुरु ने उस युवक से पूछा कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं सबसे पहले उठते ही चाय पीता हूँ, उसके बाद बाकी के सारे कामकाज करता हूँ। फिर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, यहीं तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, यहीं तो तुम्हारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। चाय का गलत समय पर गलत मात्रा में गलत तरीके से सेवन करना आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है। अगर बेटा आप चाय को सही तरीके से बना के पियेंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल और फ्लोवोनो एड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इन एंटीऑक्सीडेंट का हम ज़्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चाय को ज़्यादा उबालना। चाय को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। कुछ लोग पानी में चाय की पत्ती डाल के 10-10 मिनट तक उबालते रहते हैं। इससे भले ही चाय कड़क बनती हो, लेकिन ऐसा करने से एक तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं और दूसरा, चाय जितनी ज़्यादा उबाली जाएगी उतने ही टैनिन्स रिलीज होंगे। इन्हीं टैनिन्स की वजह से ऐसी कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांतों पे काले निशान हो जाते हैं, पेट में एसिड बहुत बनता है और खाने से न्यूट्रेंस ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि टी स्टॉल वाली चाय ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो लोग चाय को खूब उबालते हैं और एक ही पत्ती को कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा ये कि जब चाय में चीनी डालते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। इतना सुनते ही वो युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवर, अफीकी चाय पीना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं तो बहुत मीठी चाय पीता हूँ, इसका कोई समाधान बताइए गुरुवर। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, जो चाय के बिना नहीं रह पाते हैं उन्हें अगर फीकी चाय पिला दो तो वो नहीं पियेंगे, क्योंकि चीनी की एक अलग ही लत होती है। लेकिन ऐसा मीठा क्यों डालें जो सल्फर और बाकी केमिकल से इतना प्रोसेस किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है। चाय में मीठा डालना है तो या तो देसी खांड डालें या फिर धागे वाली मिश्री पाउडर का इस्तेमाल आप करें। गुड़ वाली चाय सुनने में तो हेल्दी लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध का सही कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर बेटा आप उबाले हुए दूध में गुड़ डाल दोगे तो फिर वो दूध फट जाता है। गुड़ वाली चाय सही नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। इसके आगे फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाय बनाते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें भी साथ में डाल देते हैं तो ना सिर्फ ये चाय आपको छोटी छोटी बीमारियों से बचाएगी बल्कि आपकी चाय और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और ऐसी 7 चीज़ें हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ है छोटी इलायची। बेटा, छोटी इलायची ना सिर्फ आपके शरीर को ताकत देती है बल्कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, जिस वजह से इसके रेगुलर सेवन करने से काफ़ी सारी बीमारियां टल जाती है। बेटा, दूसरी चीज़ है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपके अंगों को लचकी बना दे, आपके शरीर की छोटी छोटी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। बेटा, तीसरी चीज़ है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट को कम करना हो तो अदरक ज़रूर डालो। चौथी चीज़ है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया और कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये थोड़ी मीठी होती है। बेटा, पांचवी चीज़ है जो आपको चाय में डालनी है, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा,
वो है मुलेठी। चाय ड्राइंग है लेकिन उसकी गाट है मुलेठी, जो कि अंदर की नसों को मॉइस्चराइजर करती है। बाकी लंग्स के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो उसे मुलेठी ज़रूर डालनी चाहिए। बेटा छठी चीज़ है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती है या पेट में अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली वाली से बेहतर होती है, तो आपको यही डालनी है। फिर आगे वो गुरु कहते हैं कि अगर आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को दिल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो सातवीं चीज़ आपको चाय में ज़रूर डालनी चाहिए और वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ के तने से खुद थोड़ी सी छाल लेकर आए और थोड़ी सी मात्रा में अपनी चाय में डाल दें। इसका टेस्ट तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये फ़ायदा बहुत कर जाएगी। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा इनमें से कुछ चीज़ें ठंडी है और कुछ चीज़ें गर्म है, बाकी ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही सारी चीज़ें डालें। अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो डाल ले। बेटा जब भी हम चाय के फ़ायदों की बात करते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि काली चाय और हरी चाय यानी ब्लैक टी और ग्रीन टी ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये चाय ऐसी होती है जिनमें ना तो चीनी डाली जाती है और ना ही दूध डाला जाता है, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि अगर आप चाय में दूध डालते हैं तो इससे चाय के एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। लेकिन बेटा हमारे आयुर्वेद के अनुसार भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम होते हों, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की होती है तो दूध डालने से वो बैलेंस होती है। क्योंकि एक तो दूध ऑयली होता है और दूसरा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए थोड़ा दूध डालना ठीक है। अब कुल मिलाकर देखें तो चाय बनाने के लिए आप पैन में सबसे पहले पानी डालें। अगर आप एक कप चाय बना रहे हैं तो एक कप पानी ही डाल दें। अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसी सात चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी उनमें से चीज़ें डालें और इसे उबलने दें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए, जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा सा इसमें दूध डाल दें और जैसे ही दूध उबाला आए आप गैस को बंद कर दें। चाय को ज़्यादा ना उबालें। अब बिल्कुल लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा मीठा डालें, फिर इसे छानकर पी लें। बेटा ये सबसे बढ़िया और फ़ायदेमंद चाय है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा हमने ये तो जान लिया कि चाय कैसे बनाए ताकि वो फ़ायदा करे, नुकसान नहीं। अब हम बात करते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए और आप दिन में कितनी बार चाय को पी सकते हैं। बेटा खाने पीने की चीज़ें कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर उनका सेवन गलत समय पर करेंगे तो वो आपको नुकसान ही दे जाएगी। अब आप पानी को ही ले लें, इसमें तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि पानी हेल्दी है, लेकिन जब हम इस पानी को खाना खाने के तुरंत बाद गटगट करके पी जाते हैं तो ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसी तरह से अगर हम चाय को गलत समय पर पियेंगे तो फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान आपको बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। और चाय को पीने के तीन सबसे गलत समय हैं। पहला है सुबह उठते ही। जो लोग सुबह उठते ही ब्लैक टी पीते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ समय से पहले ही पड़ जाती है। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन को पानी की कमी होती है, ऐसे में हम चाय पी जाते हैं, इससे बॉडी और भी डिहाइड्रेट हो जाती है, इससे घुटनों की ग्रीस कम होती है और स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है और बाल भी रूखे रूखे होने लगते हैं। इसके आगे वो युवक कहता है कि गुरुदेव मैं सुबह की चाय नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो मेरी नींद नहीं खुलती है, इसके बिना तो मेरा पेट भी साफ नहीं होता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा एक काम करो, सुबह उठ के चाय बनाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, फिर उसके बाद आप चाय पी लो। ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग सुबह उठकर चाय इसीलिए पीते हैं क्योंकि चाय के बिना उनको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता है। यही दिक्कत सिगरेट पीने वालों को भी होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी बिना सिगरेट पिए प्रेशर नहीं बनता है, तो क्या सिगरेट अच्छी चीज़ है? लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह उठकर चाय नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो इसका सलूशन ये है कि आप कुछ दिनों चाय की जगह सुबह उठते ही गर्म पानी को पियो, ये बहुत ही असरदार है। सुबह गर्म पानी पीने से पेट तो खुलकर साफ होगा ही, बल्कि मेटाबॉलिज्म एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे चुस्ती आएगी और शरीर पे जमी चर्बी भी पिघलने लगेगी। इसके आगे वो गुरु उस युवक से कहते हैं, दूसरा चाय पीने का सबसे ख़राब समय है खाना खाने के जस्ट बाद। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग सुबह नाश्ता करने के बाद चाय को पीते हैं, ब्रेकफास्ट हो या फिर खाना खाने के बाद। अगर आप चाय पियेंगे तो मान के चलिए इससे आपके शरीर में आयरन
कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। चाय में मौजूद टैनिन खाने से प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। अब सोचो, आपने प्रोटीन भरी दाल तो खाई लेकिन ऊपर से चाय पी ली, तो वो प्रोटीन शरीर पर अच्छे से नहीं लगेगा, जिससे कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ खटखट करने लगेगी। जिंक आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कम हो जाएगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। कम हीमोग्लोबिन मतलब ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जिससे सांस फूलेगी और पूरे दिन शरीर थका थका महसूस होगा। फिर थकान को मिटाने के लिए आप और चाय पियेंगे, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है बेटा। पुराने जमाने में जब कोई किसान दिन भर हल जोत कर घर लौटता था, तो पता है वो थकान को मिटाने के लिए क्या खाता था? एक डली गुड़ की और ऊपर से एक गिलास पानी। गुड़ से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और पानी से डिहाइड्रेशन नहीं होती है। खैर, खाने के बाद चाय अवॉइड करें, कम से कम एक घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। खाने के बाद कुछ पीने का मन करे तो सबसे बढ़िया है कि आप छाछ पी लें, इससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है। अगर कुछ गर्म पीना चाहते हैं तो हर्बल टी पी लें। कि तीसरा समय जब हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, और वो है रात का समय। कुछ लोग देर रात या फिर रात को सोने से पहले चाय पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाय में कैफीन होता है। भले ही कॉफ़ी से कम होता हो, लेकिन थोड़े से कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है। बेटा, जो लोग शाम के बाद चाय पीते हैं उनको नींद आने में 45 से ज़्यादा मिनट लगते हैं और स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाती है। रात को नींद में बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अगर नींद आपको सही नहीं आएगी तो बॉडी को वो मौका अच्छे से नहीं मिलता है, जिससे फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। बेटा, रात को चाय पीने का समय सही नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पीजिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि चाय भी पिएं लेकिन नुकसान भी ना हो, तो सबसे पहले सुबह उठते ही, दूसरा खाना खाते ही और तीसरा शाम ढलने के बाद चाय को आप भूल जाइए। इसके बाद वो युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुवर, फिर ऐसा कौन सा समय है जब हम चाय पी सकते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो? इसके बाद वो गुरु कहते हैं कि चाय पीने का सबसे सही समय नाश्ता करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद का समय होता है। ये सबसे सही समय है। मतलब ये है कि आपने अगर सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो फिर आप 11 बजे चाय पी सकते हैं। दूसरा, अगर आपने लंच 1 बजे किया तो 3 से 5 बजे के बीच आप एक बार चाय पी सकते हैं। ये सबसे बढ़िया समय है और यही इस बात का जवाब है कि हमें दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। बेटा, एक दिन में 2 कप काफ़ी हैं। अगर आप बहुत शौकीन हैं तो आप 3 कप भी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप चाय पियेंगे तो फिर वो ज़्यादा है। और ज़्यादा चाय पीने के नुकसान है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आपने खुद लोगों को ये कहते सुना होगा कि चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं, चाय ना मिलने पर सर दर्द होने लगता है, शरीर में जान सी नहीं रहती है। ये एक चाय का नुकसान है। ज़्यादा चाय पीने से शरीर को कैफीन की लत लग जाती है। और ये भी समझें कि चाय एक एसिडिक फूड है, गर्म है, इसीलिए तो जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकारों की दिक्कत होने लगती है। और यही चाय जब जुखाम में पिला दें तो औषधि का काम करती है। बेटा, इतनी रूखी होती है चाय की तासीर। अगर 20 किलो दूध में सिर्फ 1 चम्मच अगर चाय की डाल दे तो उस दूध को ना तो आप जमा सकते हैं और ना ही उस दूध से थोड़ा सा भी घी निकाल सकते हैं। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा चाय पीने लग जाते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है और घुटनों में से दर्द की शिकायत होने लगती है। इसीलिए बेटा, चाय की क्वांटिटी का ध्यान रखें। सबसे बेहतर होगा अगर आप चाय के लिए जो कप प्रयोग ले रहे हैं वो साइज ही उसका छोटा हो। हर कोई कप के हिसाब से पीता है, इनफैक्ट हमारा माइंड भी कप के हिसाब से ही मेजर करता है। बड़े कप में अगर चाय दो तो ज़्यादा चाय पी जाएंगे, और अगर छोटे कप में पियेंगे तो वहीं कम चाय में मन शांत हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। फिर आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, 2-4 बातें हैं चाय के बारे में जो ध्यान देने लायक है। पहली तो ये है कि रखी हुई चाय को दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा फ्रेश बनाकर ही पीना चाहिए। दूसरा, अगर आप रोज के 2-3 कप चाय पीते हैं तो अपने पानी के इंटेक को भी ऊपर रखें, इससे पानी की कमी कभी नहीं होगी। फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब ये फूड पाइप के कॉन्टेक्ट में आती है तो वहाँ जलन पैदा करती है। इसीलिए ठीक ठाक गर्म चाय पिए।
फिर अक्सर हमारे घर पर चाय के लिए एक अलग से पैन होता है। कोशिश करें कि ये पैन एल्युमिनियम का बिल्कुल ना हो, स्टील का हो चलेगा, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा पीतल का बर्तन जिसके अंदर में टिन की कलाई होती है। इससे वो कली धीरे धीरे भस्म के रूप में अंदर जाती है और शरीर को फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे वंग भस्म कहा जाता है, जो शारीरिक कमजोरी के लिए दवाई का काम करती है। और सबसे अंतिम बात बेटा, चाय हमेशा अच्छे किस्म की खरीदनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार हम फायदे के चक्कर में ऐसी चाय खरीद लेते हैं जो बहुत सारे केमिकलों से भरी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, अच्छे किस्म की चाय ही खरीदें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप चाय को पियेंगे तो पक्का नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो चाय के बारे में अच्छी जानकारी देती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।